जब जान बचाने वाले डॉक्टर्स ने जान से खिलवाड़ करने लगे तो उसे आप क्या कहेंगे? नमस्कार, यूके टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है, मैं आयशा। जी हाँ, ताजा मामला रुड़की रेलवे स्टेशन रोड अभिलाषा हॉस्पिटल का है। अभिलाषा हॉस्पिटल उस समय सुर्खियों में आ गया जब हॉस्पिटल के बाहर मरीज के तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि एक विवाहिता को उसके परिजन डिलीवरी के लिए अभिलाषा हॉस्पिटल लेकर आए थे, जहां उसका उपचार चल रहा था। डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद चिकित्सकों ने महिला की बच्चादानी निकाल दी। जब परिजनों को इसकी खबर लगी तो उन्होंने खूब हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व ही विवाहिता की शादी हुई थी। इसके बाद परिजन कोतवाली गंगनहर पहुँचे और हॉस्पिटल स्टाफ व डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सुबह से 8 बजे से एडमिट की कल सुबह। हाँ, तो फिर इन्होंने मेरे से भी फोन करा और कैसी ऐसी हाली था, तो मैं तो रुका नहीं गया। नहीं नहीं, ऑपरेशन नहीं बोला, रुका नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने 10 बजे तक बाट देखी, नॉर्मल नहीं हुई है, कोई चांस नहीं हुई है। इन्होंने कभी नहीं चाय पर बैठा हुआ, चल लोडी जैसा कहते रहे सही करती रहे। अच्छा, फिर इन्होंने 10:30 बजे बोल दिया तब जो ऑपरेशन होगा, बच्चा फंसा हुआ निकल नहीं रहा। चलो भाई, दुनिया के हो रहे हैं तो ऑपरेशन के ढेर बड़ी बात नहीं है, करवा दो। हैं, तो अंदर ले जाकर मैं पता नहीं इन्होंने क्या करा क्या नहीं, पाँच मिनट लगी नहीं ऑपरेशन, उसमें इन्होंने सब काम कर दिए। फिर इन्होंने बोला पहले दिन से यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है लगातार रेगुलर पर डे, ये दूसरे तीसरे दिन का महीने में जब भी बुला रहे बुलाते। कल ऑपरेशन हुआ, पहले तो 3 दिन लारा लगा कर रखा कि ऑपरेशन अभी नहीं होने का, कि घंटे अभी घंटा लगा, 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद इन्होंने 10:30 बजे ऑपरेशन करा दिया। यहाँ पता नहीं बड़ी मैडम थी नहीं थी, लेकिन वो छोटे वाली मैडम से ही इन्होंने काम चला लिया अपना। और सुबह 11 बजे बता रहे कि तुम्हारे बच्चे का नहीं निकाल, बिना किसी के बताए, किसी को भी नहीं इस बात का पता कि इन्होंने ऐसा कुछ करा। अपनी सफाई देने पर लग रहे, ऐसा कोई संतोषजनक जवाब ये नहीं दे पा रहे कि हाँ हमने करा क्या और ये किससे बता रहे। जब इन्होंने ऑपरेशन किया ना, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं बताया, किसी को भी तो नहीं पता इन्हें, मतलब जो यहाँ कम से कम 20 आदमी थे उन्हें भी नहीं पता इस बात का। हाँ, तहरीर दे दी ना, थाने में दे दी तहरीर, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, इन्हें याद करें। और ऊपर से बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। रात में जब ऑपरेशन हुआ, ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, तो उनके हस्बैंड और उनके जेठ को हमने बताया के ये कंडीशन है और इसमें बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, 3-4 बॉटल ब्लड का इंतजाम करना पड़ेगा और वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। तो जान बचाने के लिए ये ज़रूरी था करना। और ये हस्बैंड और जेठ को मैंने खुद बताया था ऑपरेशन थिएटर के गेट पे ही खड़े होते, बाहर मैं नहीं आई थी। और उसके बाद उन्होंने ही उनके हस्बैंड ने सिग्नेचर करे हैं इस चीज़ पर कि वो तैयार हैं बच्चेदानी निकालने के लिए, और उनके जेठ ब्लड लेने के लिए हॉस्पिटल चले गए थे। तो जिस तरह के आरोप बच्चेदानी को, अब ऐसा नर्स ने उनको कहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। अब देखिए, ऐसे तो कोई किसी भी कुछ भी एलिगेशन लगा सकता है। हमने उनको बताया था और उनके हस्बैंड के सिग्नेचर लिए थे। अच्छा। और सारी ऑपरेशन थिएटर से निकल के सीरियस मरीज को छोड़ के हम सारे रिश्तेदारों को बताने तो नहीं आ सकते डॉक्टर बाहर, उस वक्त मरीज को देखना जरूरी होता है ना। तो मतलब उनकी समझ की कमी रही है, उन्होंने समझने में कुछ कंफ्यूजन रहा या अब वो पलट गए हैं इस बात से, मैं नहीं जानती। ऐसे मैडम ऐसा आके कौन करेगा हंगामा, बिना बात की मारपीट, पुलिस भी आपने ऊपर क्यों बताइए। तो डॉक्टर ऐसा क्यों करेंगे, नहीं डॉक्टर से गलती तो डॉक्टर का क्या इंटरेस्ट होगा कि बिना बताए। जान बचाना तो इंटरेस्ट था, मरीज की जान बचाने में हमारा इंटरेस्ट था, इसलिए हम ज्यादा देर बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उस वक्त मरीज की कंडीशन सीरियस थी। यानी कि आप ज्यादा देर बात नहीं कर सके इसलिए उनके समझने में फर्क रहा हो, ये हो सकता है कि उनके समझने में फर्क रहा हो, लेकिन हमने बताया था हस्बैंड और जेठ दो जनों को बताया था। ये आज कोतवाली में हमें अमन सिंगल की तरफ से एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, जिसमें उसके द्वारा ये लिखा गया है, ये आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ जो अभिलाषा नर्सिंग होम है, इसमें अपनी पत्नी को एडमिट कराया गया था, इनकी पत्नी को बच्चा पैदा होना था, डिलीवरी होने थी मतलब, तो उसके लिए ना यहाँ भर्ती कराया गया था। अब इनका ये कहना है कि उनकी बिना कंसेंट के डॉक्टर ने एक ऑपरेशन कर दिया,
उस पर इन्हें जो है जो शिकायत करता है इन्हें आपत्ति है, उसी संबंध में इन्होंने ये तहरीर यहाँ थाने में दी है। उन्होंने यही लिखा है वो बता दिया मैंने कि उनके उन्होंने ये कहा कि बिना हमारी कंसेंट के डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया उनका, उसमें जो बच्चा दानी निकालने का